बिस्मिल्लाह रहमान रहीम गखड़ गोड फार्म च खुश आमदीद। अज दा साडा प्रोग्राम है जी छोटे बच्चियां दी डिवर्मिंग करना। असी उहदे वास्ते नील वर्म दा इस्तेमाल करने आ। नील वर्म 100 ml और इहदे विच 100 ml दे विच चीनी और 100 ml ही असी दुध दा इस्तेमाल करके इस महलूल नूं मिक्स करांगे। और चीनी दे इस्तेमाल दा फायदा यह होंदा है कि इह बच्चियां नूं देण तों बाद चीनी दी तरफ इन्हां दे जिहड़े वरम ने कीड़े ने ओह रागब होंदे ने। इह 100 ml दा महलूल अच्छे तरीके दे नाल यक जान करके ते तुसीं एक 60 cc वाली सिरिंज ली लो वड्डी। उहदे नाल जिन्ना बच्चे दा जानवर दा बॉडी वेट होवेगा उन्ने 1 ml दवाई, यानी कि हुण तुहाडा डोज तैयार हो गई है। जे अगर 5 cc 5 kg ते आउंदा तो यह समझ लो कि 2.5 kg 2.5 cc 5 kg ते लग रही है दवाई, क्योंकि असा उन्हां विच दुध ऐड कीता है। ये ज़रा एहतियात दे नाल और दूसरे बंदे दी सपोर्ट दे नाल देनी चाहिए बच्चियां नूं, ताकि इन्हां नूं अथरू ना आए, गोता ना लगे। थोड़ी जी टाइमिंग लगा लवो, लेकिन जल्दबाजी नहीं करनी। एहतियात दे नाल दियो ताकि जानवर तुहाडा जिहड़ा ना सांस वाली दे नाली दे विच ये दवाई ना जाए। आहिस्तगी दे नाल आहिस्ता पुश करो ताकि जानवर दी भी सेफ्टी रहे और तुहाडा ये मेडिसन देने वाला अमल भी पूरा हो जाए। इहदे विच असी एक दूसरा तरीका अडोप्ट कर सकते हैं कि जानवर अगर तुहाडा मदर फीड दे नाल ओ फीडर दा इस्तेमाल करदा है, तो असी यह 20 ml सरिंज दे विच भर के असी उस फीडर दे विच ऐड कर लवांगे और बच्चे नूं फीडर दे थ्रू भी असी ये मेडिसन ये दवाई पिलाई जा सकती है, ताकि उहदी रूटीन वर्क दे विच फीडर यूज़ करदा हुंदा है। असी इस तरीके दे नाल फीडर भी थ्रू भी ये दवाई पिलाई जा सकती है। फस्ट टाइम डोज देन लग्या एक चीज़ का एहतियात करना है कि नील वर्म सादा इस्तेमाल नहीं करना। इहदे नाल कुछ दुध उन्नी मकदार दे विच ही तुसीं ऐड करना है, ताकि डायरैक्ट निरी दवाई जिहड़ी है ये जानवर नूं नुकसान ना पहुँचाए। और एक बात का ख्याल रखना है कि नील वर्म प्लस या नील वर्म सादा इस्तेमाल करना है, नील जान प्लस नहीं। बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम।